आ गई टूना फिश। ये थोड़ी सी पिराना जैसी लग रही है दिखने में नहीं नहीं नया है ये, है? अच्छा क्या कला। ये देखो, बहुत मछली देखी होगी बट ऐसी मछली नहीं देखी होगी। क्या वजन होने वाला है इसका? वजन इसका वजन 9 KG है। 9 KG की मछली है ये, देख सकते हो। और इसका प्राइस तो भाई आज ऐसी मार्केट में लेके आया हूँ जो दिल्ली की सबसे बड़ी मछली मार्केट है। तो यहाँ पे भैया मिले, बताएंगे कौन कौन सी इनके पास मछली होती है। हेलो भैया, हाँ क्या नाम है? एक बार नाम बता दो अपना। बकरीद नारायण। बकरीद नारायण। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या चीज आ रही है? ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस ये देख सकते हो भाई, ऑक्टोपस है समुद्र वाला। हाँ, समुद्र का है ऑक्टोपस। ये देखो भाई, अब तक आपने वीडियो में देखा होगा चलते हुए, यहाँ पे देख सकते हो हकीकत में ये ऑक्टोपस है। क्या रेट होने वाला है ये भी बता दो एक बार। 500 रुपीज KG है भैया। 500 का KG। जी हाँ। अच्छा और क्या क्या रहेगा अपने पास? इसके बाद क्लैम है। क्लैम है ये देख सकते हो भाई, क्लैम। इसको स्नेल और सब स्नेल बोलते हैं, क्लैम बोलते हैं। तो इसका क्या प्राइस रहता है? 300 रुपीज KG है। और क्या क्या है? और ये टाइगर प्रॉन्स है। ये देखो भाई, टाइगर प्रॉन्स आ गई, बहुत ही शानदार। और इसके बाद? इसके बाद टूना फिश है। ये आ गई टूना फिश। ये थोड़ी सी पिराना जैसी लग रही है दिखने में। नहीं नहीं नया है। अच्छा क्या रेट होने वाला है इसका? इसका 300 रुपीज KG है। 300। इसका मीट जो है खट्टा होता है। ये सब समुद्र वाली है? सब समुद्र का है। अच्छा इसका मीट थोड़ा खट्टा होता है, इसका अचार भी बनता है। अच्छा अच्छा हाँ जी। और क्या क्या आने वाला है? ये ब्लैक पॉम्पलेट है। ब्लैक पॉम्पलेट ये देख सकते हो भाई, ब्लैक पॉम्पलेट आ चुकी है, काफी बढ़िया लग रही है देखने में। ये 650 KG का है। ठीक है हाँ जी। और उसके बाद ये व्हाइट पॉम्पलेट है। ये आ गई भाई व्हाइट पॉम्पलेट। ये देखो ये फ्राई व्राई के लिए यूज होती है। हाँ हाँ फ्राई के लिए यूज होती है। ये देखो ये 900 रुपीज KG है। और इसके बाद? उसके बाद सी क्रैब है। सी क्रैब आ गया देख सकते हो। ये सी क्रैब जो है, सी क्रैब भी मिल जाएगा। ये देखो ये देखिए, ये 500 रुपीज KG का है। मतलब जिंदा भी मिलते हैं वैसे? जिंदा जो है रिवर का आता है। अच्छा वो अभी समुद्र वाला आता है जो मरा हुआ आता है? हाँ ये समुद्र का है। उसके बाद ये भिटकी है, बोला भिटकी। बोला भिटकी हाँ। अच्छा और इधर भी है ये थोड़ी इधर, ये रानी दिखाओ, रानी फिश है। ये देखो भाई ये रानी फिश है, सिंगल बोन का है फ्राई के लिए। ये भी सिंगल बोन के लिए? हाँ जी फ्राई के लिए। क्या प्राइस होने वाला है? इसका क्या प्राइस है? इसका भी प्राइस 300 रुपीज KG है। 300 रुपीज KG। अच्छा मैकरल है। मैकरल फ्राई के लिए सिंगल बोन। तो ये तो कुछ कुछ टूना जैसी लग रही है। हाँ टूना जैसे टेस्ट भी है। अच्छा हाँ ये 250 KG है। 250 KG जी हाँ। उसके बाद भोला भिटकी है। ये आ गए भाई भोला भटकी। ये 500 रुपीज KG भोला भटकी है ना ये? हाँ। अच्छा ये 500 रुपीज KG है। ठीक है। उसके बाद ये कोलकाता भिटकी। कोलकाता भिटकी ये 700 रुपीज KG है। ये कोलकाता से आती है? हाँ। अच्छा ये देखो भाई ये कोलकाता से आती है। क्या कहते हैं इसको इंडिया में? इंडियन सिवास। इंडियन सिवास भी कहते हैं, भोला भटकी भी कहते हैं, कोलकाता भिटकी भी कहते हैं। तो ये देखो भाई काफी यूनिक यूनिक नाम है। उसके बाद ये आइए रिवर सोल। रिवर टोल्ड सोल। सोल सोल पीस भाई काफी जबरदस्त। ये 550 KG है, सिंगल बाउंड का है, बहुत बेहतरीन मीट इसका। ये तो काफी होटलों में भी यूज होती है मोस्टली है। हाँ 7 स्टार 5 स्टार होटलों में ज्यादातर यूज होते हैं इसका। उसके बाद ये लो भैया, देखो भाई सबसे बढ़िया चीज जो आने वाली है। बहुत मछली देखी होगी बट ऐसी मछली नहीं देखी होगी। क्या वजन होने वाला है इसका? वजन इसका वजन 9 KG है। 9 KG की मछली है ये देख सकते हो। और इसका प्राइस क्या होता है? 501 किलो। 501 किलो। और ये देखो भाई इतनी बड़ी मछली है ये। ये देखो भाई उसके बाद आइए ये रेहू फिश है। ये रोहू तो मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस मछली जी हाँ, ये आंध्रा से आता है। हाँ इसका प्राइस 250 है। 250 में रोहू है। हाँ दिखा दें। आइए रिवर फिश में रूपचंदा दिखाते हैं। ये देखो भाई रूपचंदा। रूपचंदा ये 200 रुपए किलो की है। ये भी सिंगल बोन में है पर थोड़ा काटा है इसमें, ठीक है हल्का फुल्का काटा होता है। हाँ उसके बाद ये आइए ये इंडियन बादशाह। इंडियन बादशाह मछली भाई। हाँ जी ये तो हर कोई जानता होगा, नॉर्मल है हर जगह नॉर्मल वाले रखते हैं। इसका प्राइस 160 है और सिंगल बाउंड का है। ठीक है तलपिया दिखा दो एक। और क्या क्या बचा है अभी? बहुत मछली मछली तो आज आज जो है ना हॉलीडे है, आज होलसेल मार्केट क्लोज होता है, आइटम तो बहुत होता है। उसके बाद ये तलपिया फिश सिंगल बाउंड। तलपिया फिश ये कहाँ से आती है? ये लोकल है, ये कानपुर यूपी से आती है। यूपी से? अच्छा ये सिंगल बाउंड की है। रिवर वाली मछली है? रिवर है। जितने दिखा रहे इधर रिवर। बाकी तो मछली के अंडे अंडे भी रखते हो आप? ये अंडे लोन भैया। ये देखो भाई मछली के अंडे। ये रेहू रेहू फिश का अंडे है इसके। अच्छा ठीक है। और ये वाले ये सालमन का है। ये सैलमन फिश के इंडियन सालमन। इंडियन सैलमन जिसे रामस बोलते हैं। आप पे वो मछली नहीं है सैलमन वाली? वो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये देखो भाई अंडे अंडे सारी चीजें, अंडे दिखा दिया मैंने बाहर। मैंने मतलब ये तो सारी चीजें देखी, एक चीज बहुत यूनिक चीज देखिए उसके बारे में बताओ। ले ये देखो भाई बहुत सारी मछली तो देखी होगी। आइए भैया स्क्विड देखिए।
ये क्या होती है? इसे बोलते कालामारी भैया, कालामारी। हाँ, मछली में ही होती है? मछली होता है, जेली फिश है। जेली फिश, अच्छा। दिखा दिया, दिखा दिया। हाँ जी भैया, 500 रुपए किलो का ये। 500 रुपए किलो। ये देखो इसका हेड, कहाँ से हेड होता है सर? ठीक है, ये हेड है। हाँ जी, ये देखो। तो भैया मतलब आप ये होलसेल और रिटेल दोनों में काम? दोनों दोनों दोनों। तो एक बार अपना कार्ड वार्ड बता दो। हाँ, कार्ड दिखा रहा भैया, कार्ड लो। ये लो भैया, ये हमारा कार्ड है, आईने मार्केट, शॉप नंबर 220, वर्ल्ड बेस्ट सी फूड, वर्ल्ड बेस्ट सी फूड सेंटर। ये भैया मिल जाएंगे, आप रहते हो ना हमेशा इधर? जी हाँ। और ये देख सकते हो, इनका ये नाम है वर्ल्ड बेस्ट सी फूड सेंटर, शॉप नंबर 220। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे। आज थोड़ा हॉलीडे, इस वजह से मछलियाँ कम है, वरना बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। होलसेल में भी डील करते हैं, रिटेल में भी डील करते हैं, बेस्ट से बेस्ट रेट मिलता है ना। थैंक यू भैया जी, थैंक यू।